जी सलाम अलैकुम। जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, स्पीकर बंद करके कान को लगा ले, फोन को ना, मोबाइल को। जी, जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हूँ सबसे पहले तो मेरा नाम गुलाम अब्बास आवान है, मैं से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा पाकिस्तान सियालकोट से तलक है। जी, और सबसे पहले तो मैं ये अपने जो जज साहबान है और जितने भी ये फीसर जब हल्फ लेते हैं, वो तो कुरान पे हाथ रख के जब हल्फ लेते हैं, तो इन लोगों के ऊपर तोहीन रसालत नहीं है बनती? क्या ऐसा कोई कानून है हमारे मुल्क में? तोहीने 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 मजहब तोहीने मजहब। जी, मैंने कहा तोहीने मजहब। तोहीने मजहब जी, जी तो इनके तोहीने मजहब इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता है? सर, वो ताकतवर लोग हैं, उनके ऊपर कानून क्यों लगेगा? वो तो वो आला अदलिया है, आला वो पार्लियामेंट है, वो एक दूसरे को मोजेस पार्लियामेंट के नाम से बुलाते हैं, एक दूसरे को जजेस रात भी इसी तरह बुलाते हैं, उनपे कौन सा कानून लगेगा, मुझे बताएं जरा। जी, लेकिन कुरान पाक के ऊपर जब हल्फ लेते हैं तो हमारा मजहब तो ये इजाजत नहीं देता कि एक दफा आप कुरान उठाते हो। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुरान के हल्फ लेते हैं, वो हल्फ तो जुबानी लेते हैं, जहां तक मुझे पता है। वो एक पेपर शेपर सामने होता है, वो पढ़ के बस तो कहते हैं जनाब मैं मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा, वफादार रहूंगा, यही जुबानी होता है। इसका मतलब ये झूठ लेते हैं ना, झूठ का झूठ ही है ना ये। नहीं तो झूठ उधर कौन सा सर गुनाह है को पाकिस्तान में झूठ बोलना? आप कैनेडा में बैठे हैं, आपको शायद एहसास हो पाकिस्तान में कोई चले, वो तो हलफ लेते हैं, वाम ने तो हलफ नहीं लिया, वो कौन सा सच बोलते हैं? जी, और दूसरी मेरी बात ये है अपनी वाम से है कि इतनी महंगाई हो गई है, तो जब कोई चीज के ऊपर महंगाई करते हैं तो उस चीज के ऊपर बायकॉट क्यों नहीं करते? तो क्या करें, भूख से मर जाए, बाहर निकले बाहर निकले, और ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि भी हमारे सामने मेरा कहने का मतलब सबसे ज्यादा बुजदिल हम लोग हैं, श्रीलंका की वाम से भी, दुनिया की वाम से भी सबसे ज्यादा बुजदिल हमारी वाम है और हमारे जनरल है। हमारे जनरलों ने अभी तक खाली पाकिस्तान के ऊपर ये जो दहशत गर्दों के ऊपर 10-10, 15-15 लोग होते थे, उनमें भी कितने लोगों को शहीद करवा दिया इन्होंने, किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़के तो नहीं ना, ये सिर्फ हमारी वाम ने इनको हीरो बनाया हुआ है। लेकिन आप वाम कहती है कि ये फौज तो अच्छी है, लेकिन ये जनरल है, इन्होंने जुल्म किया, 4 दफा मार्शल लॉ लगा। ये जो हमारे जनरल है, ये जो हमारे जनरल है, ये तो प्रॉपर्टी लीडर है। अभी आप देखो डिफेंस में देखो, मीलों मील जो है इन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। अगर उसके सेंटर में कोई आदमी अगर जमीन नहीं बेचता तो चारों साइड में ये जमीन खरीद देते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं। अच्छा, कभी किसी जनरल को ये एहसास हुआ कि हमारी आवाम इतनी गरीब है? किसी गरीब के मोहल्ले में जाके देखा होगा आपके ख्याल में किसी जनरल ने? भाई मेरे भाई, जब ये जनरल कैसे एहसास होगा इनको? इनको तो पक्की पकाई मिल रही है, हर चीज फ्री मिल रही है, पेट्रोल फ्री है, हर चीज फ्री है, बिजली का बिल इन्होंने नहीं देना, इनको क्या एहसास होगा? एहसास उनको होता है जिसने गरीबी देखी हो। एक सिपाही को देख, एक सिपाही को बोलो ना भाई तुम्हारे क्या हालात है, तो उसकी हालात आप पता करो कि भाई वो सिपाही क्या कहता है। अच्छा, मैं आज देख रहा था कि दफा के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया दफा के लिए, तो मेरा तो ख्याल है कि ये हमारे कुछ लोग, कुछ इंडिया के खुद भी नहीं चाहते कि आपस में कोई अच्छे तल्लुकात हो, ताकि ये पिकनिक भी चलती रहे। इंडिया पाकिस्तान का मसला बना हुआ ना लड़ाई झगड़े का। तो बिल्कुल सही बात है। अभी आप ये सोचो कि अगर हमारी फौज इतनी बहादुर है, जो हम लोगों ने बड़ा इतनी वाह 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 किया हुआ है, कश्मीर में हमारे मुसलमान, इंडिया में हमारे मुसलमान क्यों नहीं जाते सामने, उनके सामने उनको क्यों नहीं वार्न करते? नहीं तो कैसे करें, अपने स्यापे खत्म हो तो किसी को कहें ना। नहीं जी, बुजदिल है, बिल्कुल ही बुजदिल ऐसा है। अभी आप देखो यूक्रेन में जंग हो रही है, उनके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद 3 महीने बांग्लादेश इन्होंने 95 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, 95,000 कैदी जो है वहां पर हमारे हो गए थे, वहां पर इनको सिविल वार करनी चाहिए। जनरल साहब तो पहले शराब पी के पाकिस्तान भाग आए थे। तो क्या करते, उनको आदत पड़ी हुई थी शराब पीने की, वो बेचारा क्या करता, वो बेचारा 90,000 कैदी बचाता कि अपना जो उसको नशा था वो पूरा करता?
मेरी फैमिली में भी काफी लोग हैं फौज में हैं, जब मुझे पता है इनके हालात क्या हैं, ये जितने भी जनरल हैं तो वह नौज मिला, मुझे नहीं पता कि उसमें कुछ लोग जो है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, कुछ लोग जो है मुसलमान है जो नमाजें वगैरह पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी जनरल जो है हमारा 5 वक्त का नमाजी। नहीं, नमाज तो चलो पढ़ते भी हो, पर नमाज का तो मकसद होता है कि आपने जो नमाज पढ़ी है फिर अपनी हिदायत के लिए दुआ मांगी है, तो फिर हिदायत भी मिलनी चाहिए, क्या ख्याल है? दुआ इसके लिए नहीं मांगते, दुआ तो यही मांगते हैं कि हमें डॉलर पार से कहां से आ जाए। अभी एक जनरल मुझे बताओ कि पाकिस्तान में हो, एक जो हमारे सर वो बीमार है, मुशर्रफ बीमार है, रहील को उन्होंने पता ही है सऊदी अरब में, वो अकेले में ही है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक पता नहीं कहाँ क्या, तो वो इतनी जिंदगी तो उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी होती है, तो उन्होंने कोई ठेका तो नहीं दिया बाकी जिंदगी, आप या मैं भी तो बाहर रहते हैं ना दूसरे मुल्कों में। मेरे भाई अगर 1-2 लाख रुपए वाला आदमी है तो बाहर से कैसा अफोर्ड कर रहा हो? सही, बाहर कैसे अफोर्ड कर रहा है, क्योंकि जब ये पोस्ट में है डॉलर लेते हैं, डॉलर पैसे लेते हैं, डॉलर में वो अमेरिका से बिके होते हैं, वहां से डॉलर उनको मिल जाते हैं। अभी ये जो सुनने में आ रहा है ये मीडिया की खबर है, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, जो जनरल बाजवा साहब है इनके जो है इसमें स्विट्जरलैंड में बेल्जियम में घर बन रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं। अब तो क्या करे भाई, उधर पाकिस्तान में गर्मी बड़ी है, बिजली चली जाती कभी कुछ हो सकता है, यहाँ सहूलत है, उन्हें आराम चाहिए क्योंकि उन्होंने आराम की जिंदगी गुजारी होती है, अब तकलीफ किधर से गुजारेंगे? वो सहूलतें नहीं ना मिलती जब हाजिर ड्यूटी बंदा होता है, रिटायर हो जाता है तो फिर वो थोड़ी तब्दीली आ जाती है, उन्हें अच्छा मौसम चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, क्या ख्याल है? तो ये वफादारी तो ना हुई, ये तो गद्दारी हुई ना फिर। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में। ओके, बहुत बहुत मेहरबानी आपका, आपका मैं टाइम लिया, मैं सबसे पहले तो आपका टीम का और आपका और आपका जो चैनल है उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चांस दिया, और अल्लाह ताला आपको इस चैनल को मजीद तरक्की दे, और हमारी आवाज जो है आपने जो पहुंचाते हैं लोगों तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन क्या करे, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।